इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाएंगे होंडा की मिड साइज एसयूवी यानी होंडा एलिवेट और किया सेल्टोस फेसलिफ्ट एसयूवी 2023 का। वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ऑटो कार। बात करेंगे इनके लुक्स की, फीचर्स की, इंजन की, सेफ्टी की और प्राइसिंग की। तो शुरू करते हैं किया सेल्टोस से। किया सेल्टोस में आपको तीन वेरिएंट मिलने वाले हैं, यानी कि वेरिएंट क्या है, इनके वैसे लाइन है टैक लाइन, जीटी लाइन और टॉप एंड में एक्स लाइन। अब इनके टैक लाइन में जो वेरिएंट आते हैं वो एचटी से शुरू होते हैं, एचटीई, एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स और एचटीएक्स प्लस, और जीटी लाइन में इनका जीटीएक्स प्लस मिल जाएगा आपको, और टॉप एंड वेरिएंट जो कि एक्स लाइन वेरिएंट है वो एक्स लाइन ही है। और इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग 10,89,000 से 19,80,000 तक की पड़ जाती है। और होंडा एलिवेंट में आपको एस वी, वी, वी एक्स और एस वी वेरिएंट मिलने वाले हैं। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहेगी 10,50,000 से लेकर 18 लाख तक की, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसी आई नहीं है, तो प्राइसिंग जो है वो सिर्फ एक्सपेक्टेड है। अब किया सेल्टोस में आपको बेस वेरियंट से ही 6 एयरबैग, ABS ब्रेक असिस्ट सिस्टम, ऑल व्हील डिस्क, ESC, VSM यानी व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, HAC एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल यानी ESS, TPMS रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट एंड रियर में ऑल सी बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। इसमें हाइलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 16 इंच का व्हील, ऊपर के वेरिएंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर 17 इंच का और 18 इंच का अलॉय व्हील भी देखने के लिए मिल जाएगा, और रियर में इसमें AC वेंट। अब बात करते हैं होंडा एलिवेंट में। होंडा एलिवेंट में आपको बेस वेरिएंट से ही भाई ABS, EBD, 2 एयरबैग मिलेंगे बस, और 6 एयरबैग का भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि 6 बैग का ऑप्शन नहीं है, 6 एयरबैग का वो मिलेगा पर आपको टॉप एंड वेरिएंट में। इसमें रियर पार्किंग सेंसर, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, 16 इंच का व्हील, और बेस वेरिएंट से ऊपर जाएंगे तो आपको 17 इंच का अलॉय व्हील भी मिल जाएगा। होंडा में एडास लेवल 2 कैमरा बेस आपको टॉप एंड में मिलेगा, और किया में एडास लेवल 2 सेंसर बेस टॉप एंड में मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको किया में जो मिलेगा भाई वो सेंसर बेस एडास होगा, वो भी लेवल 2 का, थोड़ा एडवांस है। अब कनेक्टेड टेल लैंप आपको होंडा एलिवेंट के किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगी, जबकि किया में टॉप एंड में आप जाएंगे तो वहां पर आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिलने वाली है। और होंडा एलिवेंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी, किया सेल्टोस में आपको बड़ी सी ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ HTX से ही मिलना शुरू हो जाती है। किया सेल्टोस में आपको एयर प्योरीफाई जैसी सुविधा भी मिल जाती है, यानी फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंजन की। भाई किया सेल्टोस में आपको 3 इंजन का ऑप्शन मिलता है, मतलब 3 ही नहीं, बहुत है भाई ये भी। तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो कि मैक्सिमम पावर 115 यानी 115 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क 144 Nm का जनरेट करता है। अब इसमें दूसरा इंजन जो आता है टर्बो इंजन, जो कि 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, मैक्सिमम पावर 160 PS की, मैक्सिमम टॉर्क 253 Nm का जनरेट करता है। अब इसका लास्ट जो तीसरा इंजन है वो मिलता है आपको डीजल इंजन 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर, जो कि मैक्सिमम पावर 116 PS की और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। किया सेल्टोस में आपको 6 IMT, 7 DCT और 6 ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाएगा। होंडा एलिवेंट में आपको एक ही इंजन मिलता है 1.5 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन, मैक्सिमम पावर 121 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 145 Nm का देगा। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का और 7 स्पीड इन CVT में गियर ट्रांसमिशन मिलने वाला है। तो इंजन से साफ हो जाता है कि अगर आप टर्बो इंजन और डीजल इंजन चाह रहे हो तो भाई आपको ना किया ही लेनी चाहिए, बट अगर आप नेचुरल पेट्रोल इंजन की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए होंडा एलिवेंट एक जबरदस्त ऑप्शन होने वाली है। अब बात करते हैं लुक्स की। होंडा एलिवेंट एक ऐसी कार है जो 20 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका जो लुक है वो क्लासिक है। इसकी फ्रंट ग्रिल आपको बहुत मस्कुलर लगती है, इसका लुक थोड़ा सा बॉक्सी है, और ये कभी एक्सपायर ना होने वाला लुक है। जबकि यहाँ पर किया जो है बहुत बहुत थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आता है इसका, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वो मिलते हैं आपको डिजाइनिंग एलिमेंट्स, जो कि शायद ही बड़ी एज के लोगों को शायद पसंद ना आए, ठीक है। और किया सेल्टोस में आपको सनशेड बेस से ही मिल जाएगी, लैंड वॉच कैमरा आपको किया में नहीं मिलेगा। होंडा एलिवेंट में मिलेगा लेकिन लैंड वॉच कैमरा, जो कि है भाई ऊपर के वेरिएंट में मिलने वाला टॉप एंड में। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो किया सेल्टोस में लेंथ 53 mm की ज़्यादा मिलती है, विड्थ में
10 mm से ज्यादा मिलती है KS Altroz। बाकी हाइट में आपको होंडा एलिवेट 5 mm, व्हील बेस में 40 mm, ग्राउंड क्लियरेंस में 30 mm, बूट स्पेस में भी भाई 25 लीटर का ज्यादा मिलता है आपको होंडा एलिवेट में। देखो KS Altroz का टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर का है, जबकि होंडा एलिवेट का टर्निंग रेडियस है 5.2 मीटर का, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है, मतलब 0.1 मीटर का है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं कह सकते इसको। अब किया में देखो आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, होंडा में आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि यहाँ बहुत बड़ा गैप देखने के लिए मिलता है, 10 लीटर बहुत मायने देता है। अब आते हैं प्रोस एंड कॉन्स की तरफ, तो शुरू करते हैं किया से। देखो इसके प्रोस में तो हम बता दें आपको कि इसके बेस वेरियंट में ही आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे भाई 6 एयरबैग, स्पोर्टी लुक, 3 इंजन का ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है, मतलब आपको देख लो 3 इंजन का ऑप्शन मिल जाता है आपको इसमें। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कुछ कमी ना हो, ठीक है, यानी कमी यह है कि भाई 3 इंजन ऑप्शन देने के बाद भी इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी हाइब्रिड इंजन इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, और मैनुअल गियर ऑप्शन नहीं है इसमें डीजल इंजन और टर्बो में, ठीक है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको टर्बो इंजन और डीजल इंजन में। अब बात करते हैं होंडा एलिवेट के कॉन्स की, यहीं इसमें एक आपको ना कनेक्टेड टेल लैंप नहीं मिलेगी आपको, इंजन ऑप्शन हाइब्रिड तो छोड़ो यार, टर्बो भी नहीं मिलता है इसमें, 2 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है वो भी बेस में, ठीक है, 6 एयरबैग का मिलता है लेकिन वो मिलता है अपना टॉप एंड से, लेकिन 2 एयरबैग का ही ऑप्शन मिलता है बेस से, लेकिन वहाँ पर किया में 6 का मिलता है। अब होंडा के भाई प्रोस भी ऐसा नहीं है भाई, इसमें बेस से ही आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, बूट स्पेस 458 लीटर का मिल जाता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस रखने वाली है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई सबसे ज़्यादा रखने वाली 220 mm का मिल जाता है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है ये, ठीक है। अब ये था एक छोटा सा कंपैरिजन, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या सेल्टोस लेना चाहोगे या होंडा एलिवेट, ठीक है। तो होंडा एलिवेट के सभी वेरियंट की अगर डिटेल वीडियो देखनी है आपको तो वो ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, और अगर आप किया सेल्टोस के सभी वेरियंट का वीडियो देखना चाहते हैं फुली डिटेल वीडियो, तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब करता हूँ वीडियो को यहीं एंड, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में,